अमेरिका ने दावा किया है कि भारत के एसेट टेस्ट के बारे में उसे जानकारी थी, लेकिन उसने जासूसी नहीं कराई। अमेरिकी रक्षा विभाग ने भारत के मिशन शक्ति की जासूसी को सिरे से खारिज किया। मिशन शक्ति के तहत भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान DRDO ने 27 मार्च को एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया था। इस दौरान 300 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में लाइव सैटेलाइट को मार गिराने में कामयाबी मिली थी। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन के पास ये क्षमता थी। मिलिट्री एयर मूवमेंट पर नजर रखने वाले एयरक्राफ्ट स्पॉट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना ने टेस्ट की जासूसी के लिए मध्य हिंद महासागर स्थित अपने डिएगो गार्सिया बेस से एक टोही विमान भारत के पास बंगाल की खाड़ी में भेजा था। लेकिन अमेरिका ने किसी भी तरह से भारत की जासूसी नहीं की, बल्कि अमेरिका भारत के साथ आपसी सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स स्पेस कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल डेविड डी थॉम्सन के मुताबिक अमेरिका को पता था कि भारत एस सेट टेस्ट करने वाला है। उन्होंने अमेरिकी सीनेट आर्म्ड सर्विस सब कमेटी के सदस्य से कहा था कि हमें इसकी जानकारी मिली थी और भारत की ओर से सूचना मिलने पर विमान रोके गए। अमेरिका ने कहा था कि वो भारत के एंटी सैटेलाइट टेस्ट का अध्ययन कर रहा है। कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा मंत्री पैट्रिक शैनहन ने दुनिया के ऐसे किसी भी देश को चेतावनी दी जो भारत जैसे एंटी सैटेलाइट परीक्षण के लिए विचार कर रहे हैं। शैनहन ने कहा कि हम अंतरिक्ष में मलबा छोड़कर नहीं आ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट।